हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट निकल कर आया है जहाँ पे ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल है। यहाँ पे ग्रेजुएट अगर आप हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इस साल की एक बड़ी रिक्रूटमेंट आपके सामने आ चुकी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी की। यहाँ पर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सारे कंडीशंस आपको समझ आ जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपका रिटर्न एग्जामिनेशन की। डेट भी आपको क्लियरली मेंशन कर दी गई है, 26 सितंबर को आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर टाइम लिमिटेड है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, 20 जुलाई से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। 19 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है और 26 सितंबर को आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने जा रहा है। आगे चले जाते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। इस PDF का लिंक आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है JKLATSinfo के नाम से, वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे 18 से लेके 42 ईयर्स तक की एज लिमिट अगर आपकी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, 18 से लेके 42 ईयर्स तक की जिनकी एज लिमिट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आगे चल लेते हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन आपको बता चुका हूँ 26 सितंबर को होने जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म 20 जुलाई से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपके ये सारे रहे, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करूँ, उधमपुर आ गया, नगरोटा आ गया, श्रीनगर आ गया, इस तरीके के सेंटर आपके एग्जामिनेशन के रहने वाले हैं। यहाँ पर सिलेबस की बात करें, रीजनिंग का सेक्शन है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। एक पेपर ये रहा, एक पेपर ये रहा, दो सेक्शन आपके सामने रहने वाले हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ये वाले रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन ये वाले रहने वाले हैं। टोटल 200 मार्क्स का रहने वाला है। जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का बेसिक 10th लेवल तक आपको एग्जाम रहने वाला है मैथमेटिक्स का, बाकी जो 6 लेवल का रहने वाला है। और ये सारे के सारे सेक्शन हमारे से यूट्यूब चैनल, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है JKLATSinfo के नाम से, वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जाके वहाँ पर वीडियोज़ देख सकते हो। आगे बात करेंगे सिलेबस की, स्पेशली मेंशन भी करा गया है। रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने मेंशन करा गया है, वैसे ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी सिलेबस आपके सामने मेंशन है। उसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन में है। उसके बाद बात करते हैं GK की, बात करें GK का सेक्शन भी आपके सामने है और इंग्लिश भी सामने रहने वाली है। टाइम आपको बता चुका हूँ, हर एक सेक्शन के लिए 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। और एग्ज़ाम आपका जो रहने वाला है वो OMR बेस्ड रहने वाला है, यानी कि आपका ऑनलाइन नहीं रहने वाला, ऑफलाइन का एग्ज़ाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। मिनिमम 40 मार्क्स आपको चाहिए हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें, यहाँ पे कैंडिडेट शुड नोट दे विल बी पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, 200 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो आप जाके अप्लाई वगैरह कर सकते हो। बाकी आपको बता दें, एग्ज़ाम आपका सितंबर में होने वाला है, टाइम आपका लिमिटेड रहने वाला है। और डिटेल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है, फिर बाकी आपका जो SSB जैसा भी रहता है वैसा ही रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग वगैरह रहने वाली है। आप पे स्केल की बात करें, अगर लेफ्टिनेंट की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, 56,000 से स्टार्ट होने वाली है। इस तरह के सैलरी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी आपको सर्टिफिकेट वगैरह जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, ये हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और बाकी यही कहना चाहूँगा, इस चैनल पर आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।